हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यू ओवरटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए दो वैकेंसी की अपडेट लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों ही वैकेंसी जो है टाटा की तरफ से है, यानी कि टीसीएस की वैकेंसी है और टाटा मेटल लाइक की तरफ से वैकेंसी है। दो अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी है टाटा के। तो सबसे पहले आपको बता दें ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर की वैकेंसी है, ट्रेनीज की वैकेंसी है, सुपरवाइजर की वैकेंसी है और वर्कर की वैकेंसी है। इसके अलावा और भी अलग अलग वैकेंसीज है। वहीं दोस्तों टीसीएस की तरफ से भी अलग अलग वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है, जिसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है और ग्रेजुएट पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी के लिए अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज हैं जिनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी भर्तियों के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है और अप्लाई करते समय आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। और ये जो वैकेंसीज निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज है। इंडिया के किसी भी स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपसे शिकायत भी रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दो वैकेंसी की अपडेट लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि टाटा की तरफ से दो वैकेंसीज हैं। सबसे पहले नंबर की जो वैकेंसी है वो आपके सामने है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं टाटा मेटल लाइक्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज है, जैसा कि आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। नंबर वन जो वैकेंसी है वो ऑफिसर की वैकेंसी है, सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा ट्रेनी की है और सुपरवाइजर की वैकेंसी है, और थर्ड नंबर की जो वैकेंसी है अप्रेंटिस की है, इंडस्ट्रियल ट्रेनी की है और वर्कर की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी मल्टीपल जॉब्स यहाँ पर आ चुकी है और इन वैकेंसी के लिए दोस्तों केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑल ओवर इंडिया की जो कैंडिडेट्स है मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी के लिए। वही दोस्तों इस वैकेंसी के लिए सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो सैलरी आपको इस पर रोज मिलेगी जो कि काफी अच्छी सैलरी होगी। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए आपकी एज। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज पर रूल्स आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। और एप्लीकेशन फीस जो है दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, यानी कि जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पर 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है टाटा मेटल लाइक के अंदर। ठीक है, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आप में कोई भी क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों आवेदन शुरू हो चुके हैं, एज सून एज पॉसिबल लास्ट डेट है और यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इधर नए पेज पर आ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं टाटा मेटल लाइक्स का ये करियर पोर्टल है और यहाँ पर आपको आना है करियर्स पर। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना होगा, नीचे आना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं तीन नोटिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, तीनों के अलग अलग हैं। वहीं दोस्तों 10वीं पास के लिए वैकेंसी है, आईटीए पास के लिए भी वैकेंसी है, 12th पास के लिए भी वैकेंसी है। वहीं दोस्तों यहां पर 12th और ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है और ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है। अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। किसी भी पोस्ट की जानकारी अगर आपको लेनी है, अप्लाई करना है तो जस्ट क्लिक कर दीजिए, आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने अप्लाई करने का बटन भी आ जाएगा। ये रहा अप्लाई करने का बटन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देने की है कि आवेदन कब से कब तक करना है और कोई भी क्वेरीज है आपके मन में तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक आप कॉन्टेक्ट करके इन वैकेंसी के रिगार्डिंग या फिर कोई भी क्वेरीज है आपके मन में तो आप यहाँ से पूछ करके शॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कंपनसेशन कितना मिलने वाला है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपको जो सैलरी मिल रही है कितनी मिल रही है वो आप सैलरी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की वैकेंसी की और जो निकाली जा रही है टीसीएस की तरफ से, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो मल्टीपल जॉब से जो की अलग अलग डिपार्टमेंट से है।
जैसा कि आप देख सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट से है और बीपीएस से है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की तरफ से वैकेंसी है और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज यानी कि बीपीएस की तरफ से भी वैकेंसी रिलीज की गई है। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो गाइज आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें आप इस जॉब को घर बैठे भी कर सकते हैं या फिर आप जो है ऑफिस के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसी है वर्क फ्रॉम होम है और वर्क फ्रॉम ऑफिस भी ये जॉब आपके आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो आप इस जॉब को किसी भी मोड में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलने वाली है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए सालाना आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो सैलरी आपको काफी अच्छी मिल रही है। वहीं एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 18 साल के बाद में, ठीक है। तो अप्लाई कीजिएगा। वहीं मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो एज पर नॉर्म्स रहेगा, एज पर रूल्स रहेगा, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इन वैकेंसी के लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है, चाहे आप जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एप्लीकेशन फीस जो है बिल्कुल नहीं जमा करानी है, आपको बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए 12th पास और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है टीसीएस के अंदर, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है उसमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, यहां पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है, यहां पर केवल आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनली आपके डीवी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है और आवेदन इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एज सून एज पॉसिबल लास्ट डेट है, ठीक है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का, यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप नए पेज पर आ जाएंगे और आप सीधा पहुंच जाएंगे टीसीएस के करियर पोर्टल पर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये पोर्टल जो है टीसीएस का है, आप देख सकते हैं यहां पर दो प्रकार की वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट से, आईटी डिपार्टमेंट से है और बीपीएस से है, ठीक है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आप ये समझ सकते हैं कि ये कॉल सेंटर टाइप की वैकेंसी है बीपीएस, तो यहां पर आप इनबाउंड या आउटबाउंड के तौर पर आप काम कर सकते हैं यहां पर। और आईटी में जो भी होता है, आईटी का जो भी प्रोसेस होता है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल वो प्रोसेस आपको यहां पर हैंडल करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने दो प्रकार के डिपार्टमेंट है इनसे वैकेंसी रिलीज की गई है, आप यहां पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो भी जानकारी है जैसा कि आपका टाइटल क्या है मिस्टर मिसेस वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जो भी नाम है फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम वो आपको यहां पर टाइप करना है, उसके बाद दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, जेंडर आपका सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको देना है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी को ओटीपी से वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, आपका इंस्टीट्यूट का नाम देना है, क्वालिफिकेशन क्या है और आपने क्वालिफिकेशन कब हासिल की है वो सन आपको मेंशन करना है, और यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली वो सोर्स आपको बताना है, और आपका नजदीकी जो भी टीसीएस का ऑफिस है वो आपको यहां पर मेंशन करना है, उसके बाद पासवर्ड आपको देने हैं और सिक्योरिटी का जो सवाल है उसका जवाब आपको देना है और कैप्चा कोड को टाइप करके आपको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स सिंपल आपको इस प्रकार अप्लाई करना होगा इन वैकेंसीज के लिए। फिर भी आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, यहां पर आपको और भी डिटेल्स में जानकारी दी गई है और अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। दोस्तों इन वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल या शंका है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपकी सिटी के आसपास की वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले ला सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।